दोस्तों, शेषनाग के बारे में तो हम सभी ने सुना है। शेषनाग नागों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि महादेव को सर्पों से इतना लगाव है कि वो अपने गले में भी सांप लपेटे हुए हैं। महादेव त्रिलोकी है और देवों के देव है। सभी देवता उनकी पूजा तो करते ही है, लेकिन साथ ही इच्छाधारी नाग नागिन भी महादेव की पूजा करते हैं। ऐसे में नागों में श्रेष्ठ शेषनाग उनके सबसे बड़े भक्तों में से एक है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आप आनंदित हो उठेंगे। कहा जाता है कि उज्जैन के गांव के शिव मंदिर में पिछले 700 साल से शेषनाग रोज रात को मंदिर में महादेव की पूजा करते हैं। कुछ गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उनमें से बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से शेषनाग को देखा है। उसी गांव ने निवासी अरुण के मुताबिक एक बार उन्होंने रात के 3 बजे एक आदमी को मंदिर में जाते हुए देखा। अरुण को लगा कोई चोर तो नहीं जो रात में मंदिर में मूर्ति चुराने जा रहा हो, या फिर कोई दुष्ट जो महादेव के शिवलिंग को क्षति पहुंचाना चाहता हो। उसने तुरंत गांव की तरफ भागा और सबको लेकर मंदिर पहुंचा। लेकिन जब वो मंदिर में सब पहुंचे तो देखा कि मंदिर में कोई नहीं है और शिवलिंग पर ताजा फूल चढ़ा हुआ है। गांव वालों के मुताबिक रात में अचानक से मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती है, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर देखे, क्योंकि सबको लगता था कि हवा के कारण घंटियां बजती होगी। वही गांव के मंदिर के पुजारी के मुताबिक जब वो सुबह मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो मंदिर के अंदर उनको बिल्कुल ताजे फूल शिवलिंग पर चढ़े मिलते हैं, और ऐसा प्रतिदिन देखने को मिलता है। उस रात की घटना के बाद गांव के कुछ लोगों ने इस बात की जांच करने के लिए कि मंदिर में रोज रात को कौन पूजा करता है, उन्होंने रात में मंदिर परिसर में पूरी रात जागकर ये देखने का फैसला किया। गांव वालों के मुताबिक उस रात वो लोग रात में मंदिर परिसर में पहुंच गए। रात के तकरीबन 3 बजे थे और अचानक से ठंडी हवा चलने लगी। गर्मी के मौसम में इतनी ठंडी हवा पाकर उन सभी गांव वालों की आंख लग गई और वो सब सो गए। जब सुबह गांव वालों की आंख खुली तो उन लोगों को इस बात का ताज्जुब हुआ कि उनमें से सभी की आंखें कैसे लग सकती है, और जब पुजारी ने दरवाजा खोला तो देखा कि महादेव के शिवलिंग पर बिल्कुल ताजे फूल किसी ने चढ़ाए हैं। ये देख गांव वाले समझ गए कि यहाँ दिव्य शेषनाग स्वयं महादेव की पूजा करने आते हैं। वही गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि ऐसा पिछले 700 सालों से हो रहा है। उनके मुताबिक पहले तो जब मंदिर नहीं था तब वहाँ पर पेड़ हुआ करता था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। तब भी जब सुबह होता था तो शिवलिंग पर ताजा फूल चढ़ा मिलता था और आसपास पद चिन्ह और किसी के बैठे होने का निशान मिट्टियों में साफ दिखता था। उनके मुताबिक कभी कभी वहाँ सांप के रेंगने के निशान मिलते थे, और एक बार उन लोगों ने उस निशान का पीछा किया तो देखा कि वो निशान कुछ दूर जाकर अपने आप मिट जाता है। तभी से गाँव वाले ये मानते हैं कि शिव जी की पूजा वहाँ शेषनाग स्वयं करते हैं।